अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमैन एवं एमटीएस का 19वां द्विवार्षिक सम्मेलन स नई कार्यकारिणी का चुनाव स्थानीय प्रधान डाक घर में रविवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के सर्किल सचिव धर्मेंद्र कुमार बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में डाकपाल राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीति है, उसके लिए कर्मचारी को एकजुटता दिखलाने की जरूरत है। इसके लिए सभी कर्मचारी को संगठित करने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार की नीतियों को ध्वस्त करने के लिए संगठन को मजबूत और धारदार बनाने की आवश्यकता है। श्री वर्मा ने कहा कि आगामी 10 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल को सफल करने का भी प्रयास होना चाहिए। संघ के प्रांतीय सचिव धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार की नई पेंशन योजना को विफल करने के लिए पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल को सफल करने के लिए एकजुटता का परिचय देने का समय है। श्री कुमार ने कहा कि अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमैन एवं एमटीएस के सभी बगैर भय के सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होने का काम करें। कार्यक्रम में पश्चिमी डाक अनुमंडल निरीक्षक सुचित्रा कुमारी, मनोज सिन्हा, रामाकांत गोविंद, अजय सिन्हा, भगीरथ मंडल ने भी सम्मेलन में अपने विचार रखे। नई सत्र के लिए कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें गणेश तुरी अध्यक्ष, जलेश्वर मंडल सचिव चंद्रदेव चौधरी, बालेश्वर चौधरी विजय आनंद को उपाध्यक्ष, भोला प्रसाद वर्मा बिहारी प्रसाद वर्मा, कमलेश हांसदा, रामाकांत गोविंद को सचिव, जयप्रकाश मुर्मू, सुदामा हलवाई, विभा कुमारी को संगठन सचिव के साथ 10 कार्यकारिणी सदस्य का मनोयन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डाकपाल राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने किया, जबकि धन्यवाद जलेश्वर मंडल ने किया। आज गिरिडीह प्रधान डाकघर के प्रांगण में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ और पोस्टमैन एवं एमटीएस का 19वां द्विवार्षिक अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन के अवसर पर हम सबों को भी आमंत्रित किया गया था। मैं प्रधान डाकघर के डाकपाल होने के नाते मैं अधिवेशन में शिरकत कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये पुरानी कमेटी जो अपने सफलतापूर्वक कार्यकाल को पूर्ण करके जा रही है, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। और नई कमेटी जो पोस्टमैन, एमटीएस और ग्रुप 4 के कर्मचारियों का बनेगी, उनके लिए भी मैं मंगल कामना करता हूँ। वो आने वाले समय में संगठन को बेहतर तरीके से चलाएं और देश की सेवा में समर्पित रहें, सेवा भाव से कार्य करें और आने वाले समय में विभाग का परचम लहराएं। धन्यवाद। गिरिडीह प्रमंडल का अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ G4 का 19वां द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। इसमें जो अभी तक सेक्रेटरी थे उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, पुनः फिर से जो है द्विवार्षिक अधिवेशन में चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और नए संगठन का जो है कार्य समिति का यहाँ पर चुनाव होगा और जो भी नए पदाधिकारी बनेंगे वो आपको सूची कुछ देर के बाद आपको दे दिया जाएगा।